वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की बैठक में सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली के बीच तीखी झड़प हुई। इस झड़प के दौरान कल्याण बनर्जी ने मेज पर रखी पानी की बोतल फोड़ दी। इससे उनका हाथ लहूलुहान हो गया और काफी चोट लग गई। चोट लगने के बाद कल्याण बनर्जी बैठक से चले गए। उनके हाथ में चार टांके लगे। इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको अटेंड करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीजें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। और सामने विटनेसेज, उड़ीसा के दो विटनेसेज, दो डेलीगेशन आए थे जिसमें फार्मर जज थे, सीनियर लाइयर्स थे, सारे लोग थे। अब उनके सामने भी क्या, ये देश को क्या संदेश आ गया है, और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से अपने सदस्य का क्या आचरण, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ये झड़प क्यों हुई। सूत्रों का कहना है कि कल्याण बनर्जी मीटिंग में बार बार बोल रहे थे। इस पर बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली ने आपत्ति जताई। अभिजीत गांगुली ने आरोप लगाया कि कल्याण बनर्जी ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। गुस्से में कल्याण बनर्जी ने कांच की बोतल उठाकर मेज पर पटक दी, जिससे वो चोटिल हो गए। इस झड़प पर जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल काफी नाराज हुए। कल्याण बनर्जी के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव लाया गया। इसमें बनर्जी के खिलाफ 9 और पक्ष में 7 वोट पड़े। बनर्जी को जेपीसी की अगली बैठक से सस्पेंड कर दिया गया। हम तो अपने जेपीसी के चेयरमैन के नाते इस जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से वो उससे कृपा से मैं बच गया, या जिस तरह से उसके बाद उन्होंने एड्यूस किया मुझे या बाहर निकल करके भी जिस तरीके से है, तो यही कहूंगा कि इस तरह की जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं।